मेरी नज़र में हर एक वेटर एक फ्यूचर का जनरल मैनेजर है। तुम लिंक्डइन खोलो, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अगर होगी तो लिंक्डइन खोलो, किसी भी बड़े होटल के जनरल मैनेजर की प्रोफाइल को खोलो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो जनरल मैनेजर भी आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले वेटर रहा होगा। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के इस वीडियो में मैं कोई भी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ आपको, मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि सेल्स बढ़िया है या रिटेल, रिटेल बढ़िया है या होटल, क्रूज़ की जॉब अच्छी है या एविएशन की। आज का मेरा जो ये वीडियो है ये समर्पित है, ये डेडिकेटेड है मेरे सारे एसोसिएट भाइयों और बहनों को। एसोसिएट बोल लो, वेटर बोल लो, स्टीवर्ड बोल लो, सर्वर बोल लो, जो मर्जी है बोल लो। मतलब आज के डेट में यार, मैं अपने यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के कमेंट्स को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि लोग बड़े डरे रहते हैं कि यार मुझे कल को वेटर बनना है, ओह शिट मैं कल को वेटर बन जाऊँगा। मतलब यार वो वेटर से इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि मतलब उनके लिए अजीब सा हो गया कुछ। एक तो हम होटल मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर में बिना सोचे समझे पहुँच जाते हैं, वहाँ पर आने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर हम फूड एंड बेवरेज सर्विस लेंगे तो 90% चांसेस है कि हम एक वेटर बनेंगे। और इंडियन माइंडसेट की मैं बात करता हूँ, आज के डेट में अभी तक वेटर को एक फुल टाइम करियर नहीं देखा गया है। लोग बड़े एम्बेरस होते हैं, बड़े अशेम्ड होते हैं अपने प्रोफाइल को बताने में। अगर 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं अलग अलग प्रोफाइल के, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है और हम एक वेटर हैं, कोई लोग पूछता है कि भाई तू क्या करता है, लोग चौड़े में बोलते हैं यार मैं तो इंजीनियर हूँ। आपसे पूछता है कोई कि आप क्या करते हो, आप क्या बोलोगे, यार मैं 5-star होटल में काम करता हूँ। फिर आपसे लोग पूछेंगे क्या करते हो, तुम बोलोगे कि मैं मैनेजमेंट का काम करता हूँ। आप कभी नहीं बोलोगे कि मैं एक वेटर हूँ। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आप शर्मिंदा हो, क्योंकि आप ये सोचोगे कि अरे यार अगर मैंने इसको बोल दिया कि मैं एक वेटर हूँ तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। हम 21वीं सदी में रहते हैं बट फिर भी माइंडसेट जो है वो 18वीं सदी की चल रहा है। आप गल्फ की कंट्रीज़ में जाओ, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ, कहीं भी जाओ, US अमेरिका में जाओ, वहाँ पर अगर आप वेटर हो तो उनको भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी दूसरे प्रोफाइल को मिलती है। हमारे पेरेंट्स के सामने बोल दो कि हमारे पेरेंट्स तो कभी मानने को तैयार ही नहीं है बस कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो कल को एक वेटर बनेगा या वेटर है। उनके पड़ोसी मोहल्ले रिश्तेदार वाले आ जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आपका बेटा क्या करता है, वो होटल में काम करता है। क्या करता है अगर आप वेटर हैं तो वो कभी नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा? मतलब वेटर क्या कोई गाली है? नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, डू यू थिंक वेटर इज एन अब्यूजिव वर्ड? हम कल को कुत्ता नहीं बोलेंगे, कल को हम वेटर बोलेंगे। क्या ये आपको लगता है ये सही है? क्या वेटर अछूत है? क्या है मतलब वेटर कोई समाज में जीने का हक नहीं है? यार मैं बहुत गुस्से में हूँ उस वीडियो को बनाते समय। क्यों? वेटर को जीने का हक नहीं है? जो भी वेटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। किसी 5-star होटल में जाओ, तुमसे अच्छे इंग्लिश बोलेगा वो वेटर। वेटर क्या होता है? आप जब आते हो, टेबल पे बैठते हो, आपको इज्जत से बिठाता है, आप हो सकता है कि आप इज्जत डिजर्व नहीं कर रहे हो बट फिर भी वो वेटर आपको वो इज्जत देता है क्योंकि वो उस वेटर का काम है। आपसे प्यार से ऑर्डर लेता है, आपका खाना सर्व करता है, बाद में आपकी ड्यूटी प्लेट उठाने आता है, हंस करके आपको गेट तक छोड़ के आता है एंड फिर भी यू से दैट वेटर इज एन अब्यूजिव थिंग, वेटर डजंट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। आई कंप्लीटली कंडेम दिस स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं रखता हूँ। वेटर्स आर द रियल हीरोज ऑफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स। वेटर्स मैक्सिमम गेस्ट से बात करते हैं, वेटर्स मैक्सिमम गेस्ट की सर्विस करते हैं, वेटर्स मैक्सिमम गेस्ट के ऑर्डर लेते हैं। अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर में एक ख़राब वेटर है तो वो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को के नाम को ख़राब कर सकता है। इसलिए कंपनीज जो है आज के डेट में बहुत स्पेंड करती है और बहुत इंटरव्यू राउंड्स लेती है एक अच्छे वेटर्स को उठाने में। क्यों? बिकॉज वेटर्स आर द शोमैन। बोलते हैं यार होटल इंडस्ट्री में तो वेटर्स दिन भर गाली खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने बहुत सारे 5-star होटल में काम कर लिया, इंडिया में, बाहर में भी, बट मैंने तो नहीं देखा कि मतलब कोई गेस्ट आया, बोला भाई इधर आ, उसके बाद बी 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 गाली दी, माँ बहन की, उसके बाद बोला कहाँ इधर आ। मैंने कभी नहीं देखा। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड। गुस्से में तुम भी होते हो, गुस्से में मैं भी होता हूँ, गुस्से में कोई और भी होता है, ये सिचुएशनल है। दिस इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री, इस बात को याद रखो। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, तुम्हारे और गेस्ट का आमना सामना होता है। जहाँ पर आमना सामना होगा वहाँ पर टसल होगी। तुम एक बैंक के लाइन में जाओ, बैंक के लाइन में अगर लाइन में लगे लगे सर्वर ख़राब हो जाता है तो क्या हम बैंक के कर्मचारियों के ऊपर गाली नहीं देते हैं? अगर ये इंजीनियर थोड़ी है कि सॉफ्टवेयर बनाया, हमने बनाया सॉफ्टवेयर, किसी और ने बेचा, किसी और ने खरीदा, लास्ट में जब कंप्लेन हुआ तो वो इंजीनियर तो पकड़ा ही नहीं गया जिसने सॉफ्टवेयर बनाया था, पकड़ी कौन गई? वो कंपनी। बट यहाँ पर क्या सीन है, एक सूप में नमक ज़्यादा हो गया, सीधा बुलाया भाई इधर आ, सूप में नमक कम है। द डिफरेंस इज़ दिस, ये डिस्टेंस इतना है आपके और कंज्यूमर के बीच का डिफरेंस इतना है। तो जहाँ पर डिफरेंस इतना रहेगा वहाँ पर ये टसल होगा ही होगा। हम इतने शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मतलब कोई 2 मंजिले टूटी फूटी इमारत में कोई इंजीनियर है
वो चौड़े में बोलता, भाई मैं इंजीनियर हूँ, हम 10,000 करोड़ के ताज होटल में काम कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं बोलेंगे कि हम वेटर हैं। मेरी नज़र में हर एक वेटर एक फ्यूचर का जनरल मैनेजर है। तुम लिंक्डइन खोलो, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अगर होगी तो लिंक्डइन खोलो, किसी भी बड़े होटल के जनरल मैनेजर की प्रोफाइल को खोलो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो जनरल मैनेजर भी आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले वेटर रहा होगा। अगर वो जनरल मैनेजर उस समय सोसाइटी से डर जाता, गालियों से डर जाता, दुनिया की जिल्लत से डर जाता, तो वो आज जनरल मैनेजर नहीं बनता। आज वो BMW नहीं कमाता, वो महीने का 10 लाख नहीं उठाता। और अगर तुम किसी अच्छे 5-स्टार होटल के वेटर हो, एंड इफ़ यू हैव द स्किल्स, बिलीव मी, जो लोग इस इंटरव्यूज़ को इसको देख रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि होटल में पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलीगल वे, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल वे। होटल में एक बंदा सिर्फ अपनी सैलरी पर जिंदा नहीं रहता, मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ। देर आर सो मेनी अदर वेज। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि होटल में हाउ कैन यू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट ए मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स पर ध्यान दीजिए, जिंदगी में निगेटिविटी से बचिए, एंड यू नो स्काई इज़ अ लिमिट। कम्युनिकेशन से याद आया, एक बड़ा ही ख़तरनाक ऐप है जिसके डेवलपर ने मुझसे कुछ दिन पहले बात की थी। इस ऐप का नाम है कैम्बली। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस ऐप के बारे में थोड़ा बताने के पहले कि ये एक पेड ऐप है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे इस ऐप को परचेस करने के लिए, तो आपको 999 का एक स्पेशल पैकेज मिलेगा, जहाँ पर कि आप 5 दिनों तक 30-30 मिनट अपने नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं, किसी भी अच्छे स्पीकर से, और आप अपनी सारी क्वेरीज जो है इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मतलब आपको टोटल 150 मिनट दिया जाएगा, और 150 मिनट में यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, जहाँ पर कि आप इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर, मतलब 30 मिनट हर दिन आप एक तरह की कोचिंग कर सकते हैं, और इसका दाम है 999। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस ऐप को खरीदने के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपकी इंटरव्यू नज़दीक आ रही है, तो मुझे लगता है कि रैदर दैन गोइंग एंड ज्वाइनिंग अ स्पोकन इंग्लिश क्लास, ये ऐप आपकी मदद कर सकता है। तो अभी मैं आपके सामने एक बड़ा ही खतरनाक ऐप जो है वो दिखाने वाला हूँ। इस ऐप का नाम है कैम्बली, और ये कैम्बली आप एंड्रॉयड पे या iOS पे कहीं पे भी डाउनलोड कर सकती हैं। तो विल कॉल मिस सारा शाह, ये देखिए आपको दिख रहा है, और अभी मैं इनको कॉल करूँगा और इनसे हम थोड़ी सी अंग्रेजी जो है वो सीखेंगे, देखते हैं ये कैसा होता है। Hey ma'am, good evening. How are you? I'm fine. How are you? See, my name is Anand. A-N-A-N-D. Anand, yeah. Anand, it's, yes. It's A-N-A-N-D. A-N-A-N-D? Yeah, what's your name? Wendy, my name is Wendy. Okay. Where are you from, Wendy? I'm from Chicago. I'm from the United States. That's great. Okay, see, I have a confusion in my mind that whenever I go for an interview, the first question which is being asked to me is, tell me something about yourself. Okay. Now tell me, what's the probable answer for this? Because in internet, there are like so many things that, okay, you should tell this, you should tell that. Do you have a particular answer that, okay, in a 2-minute round, we should tell this? I think I would say things that I would think they would want to hear. Don't try to tell them the truth and the bad part. Tell them the truth and the good part. तो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक वेटर हो या वेटर बनने वाले हो, तो बिल्कुल भी शर्मिंदा मत हो। हॉस्पिटैलिटी आज के डेट में एक बहुत ही फ्लरिशिंग और बूमिंग करियर है, एंड दिस इंडस्ट्री इज रॉकिंग। और अगर हम बोलते हैं कि हॉस्पिटैलिटी ख़राब है, मतलब यू नो बहुत ख़राब है, घटिया है, नहीं जाना चाहिए, तो तुम एक बात बताओ, सारे होटल बंद हो जाने चाहिए थे? होटल को लड़के नहीं मिलने चाहिए थे? होटल को लड़कियां नहीं मिलनी चाहिए? मतलब फिर भी क्यों लाइन लगा लगा के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं? मतलब डिमांड है, मतलब लोग आपको भटका रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, ये डिसीज़न आपका है। जैसे हर इंडस्ट्री होती है, वैसे ही ये भी इंडस्ट्री है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर यू आर गोना स्टिक इन दिस इंडस्ट्री, वेदर यू आर गोना लीव दिस इंडस्ट्री। कल को आप अगर इसी माइंड सेटअप के साथ MBA करने जाएंगे, तो आप क्या उखाड़ेंगे मुझे नहीं पता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी और इंडस्ट्री में टिक जाएंगे। द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर दैट एनी प्रोफाइल ऑन विच यू विल बी वर्किंग इज नॉट बैड, इट इज़ योर माइंड सेटअप विच इज़ बैड और गुड। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे स्कूल्स,
सारे कॉलेजेस अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को दिखाएं ताकि वो मोटिवेट हों अपनी ज़िंदगी से कि नहीं हम गलत इंडस्ट्री में नहीं आए हैं एंड दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी गुड एंड वेरी फ्लरिशिंग. टिल देन गाइस, दिस इज आनंद मिश्रा साइनिंग ऑफ. टेक केयर. बाय बाय. जय एसोसिएट्स.